गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुनिए। बहनों और भाइयों का मैं हृदय से इस पूरे समारोह में आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं कि आज आप सब यहां पर इतनी भीषण शीतलहरी के बावजूद यहां पर आए हैं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी का सशक्तिकरण किए बगैर हम भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बना सकते। उनके लिए उन्हें सुरक्षा का वातावरण देना पड़ेगा, उनके प्रति उनका स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। और जब उनकी सुरक्षा का वातावरण होगा, उनके सामने स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा, तो स्वतः ही सम्मान का भाव भी होगा। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान। आज का ये कार्यक्रम एक ओर आधी आबादी के स्वावलंबन से जुड़ा हुआ अभियान है, 1150 सिलाई की मशीन, और केवल मशीन नहीं बल्कि उनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी हुआ, सिलाई से उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम। और प्रशिक्षण लेने के बाद फिर उन्हें आज जेके समूह के द्वारा यहां पर ये सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक अभिनव प्रयास है, मुझे जेके समूह के इस कार्यक्रम में कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। 28 अक्टूबर को कानपुर में 1001 सिलाई की मशीन हम लोगों ने वहां पर उपलब्ध कराई। हम सब जानते हैं कि आज यहां पर जो सिलाई की मशीन दी जा रही है, ये सभी उन परिवारों के स्वावलंबन का आधार बन सकती बनेंगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। जेके समूह के बारे में हर व्यक्ति जानता है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख, और मैं कहता हूं कि उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक घराना, जिसने कानपुर को एक समय औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत बना दिया था देश के अंदर। और उस समय कानपुर जब यह जेके समूह वहां पर लीडरशिप इनके हाथ में थी, तो कानपुर देश के 4 बड़े महानगरों में गिना जाता था, जिसमें कानपुर भी आर्थिक समृद्धि के उस दौर से गुजरा था। लेकिन बाद के कालखंड में परिस्थितियां विपरीत हुई, सरकार और स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार का समर्थन और सपोर्ट मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से कम्युनिस्टों की घुसपैठ होती है, और उसके बाद औद्योगिकीकरण का जब दौर वहां का समाप्त हुआ, आज उसका खामियाजा पूरे कानपुर को, पूरे मध्य यूपी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जेके समूह ने वहां पे भारत के परंपरा के अनुरूप धर्म से जुड़े हुए बहुत अच्छा मंदिर वहां बनाया, इंस्टीट्यूशंस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, आज भी जो जनता जनार्दन की सेवा वहां पर दे रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियां उनकी चल रही हैं, लेकिन साथ साथ सेवा के प्रकल्प को भी उन्होंने उसके साथ जोड़ करके जिस प्रकार से वहां पर महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है, यह अत्यंत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। और आज 1150 महिलाओं को ये मशीन, जिसमें यहां पर ग्रुप बना करके उनके प्रशिक्षण हुए, अलग अलग उसमें प्रशिक्षण हुए, उनके प्रशिक्षक भी यहां आए थे और उन्होंने इन सभी कार्यक्रमों की नजदीक से देखभाल की। आज यहां पर इन सभी समूहों को ये मशीन वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, मैं इसके लिए जेके समूह को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके पूरे इन कार्यक्रम की सराहना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की टॉप प्रायोरिटी में महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका स्वावलंबन है।